हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी SBI योनो ऐप में हमारे प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो है उनको देख सकते हैं, अपने बैंक की स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको ईमेल भी कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हमें अपनी ऐप में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद ये देखिए एक ऑप्शन है अकाउंट्स का, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है और इसके बगल में एक आपको एरो का साइन दिखा रहा है। तो इस पर कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इधर देखिए ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है और दूसरी साइड में आपको स्पेंड एंड लिसेस दिखा रहा है। तो ट्रांजेक्शन्स पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। ऊपर आप अपने जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो। नीचे देखिए ये आपकी जो सारी ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिखा रहा है। प्रीवियस जो ग्रीन कलर में आपको दिखा रहा है वो पैसे आपके क्रेडिट हुए हैं, जमा हुए हैं, और जो रेड कलर में दिखा रहा है वो आपके डिडक्ट हुए हैं। जहाँ पे अगर आपने कहीं पे भेजे हैं तो वो रेड में दिखाएगा और आपके पास आए हैं कहीं से पैसे क्रेडिट हुए हैं तो वो ग्रीन में आपको दिखाएगा। ये देखिए ग्रीन के साइड में प्लस भी दिखा रहा है और रेड के साइड में आपको माइनस दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन 11 रुपये, 8 रुपये, फिर ये डिडक्ट हुए थे, मैंने ट्रांसफ़र किए थे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये ATM से मैंने विथड्रॉ किए थे, उसके बाद 494 एक ऑनलाइन पेमेंट की थी। तो ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं और नीचे तक आप इनको देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे ये दिखाते जाएगा आपको स्टेटमेंट सारी। और यहाँ पे ऊपर आएंगे तो एक सर्च का ऑप्शन भी है, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। अगर जिसके पास भी आपने पैसे भेजे हैं या रिसीव किए हैं उनसे तो उनके नाम को यहाँ पे डालकर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्च कर रहा हूँ, नाम कवर, इनके पास मैंने भेजे थे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इनकी डिटेल्स। 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे मैंने 9 जून को और ये एक और 150, इस तरह से एक 1,000, ये सारी डिटेल्स आपके पास इस तरह से दिखा देगा। यहाँ पे स्पेंड एनालिसिस है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मंथ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपके मंथली स्पेंड दिखा देगा, कितने आपने खर्च किए पिछले महीने। तो मेरे देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है 57,448 रुपये पिछले महीने मैंने खर्च किए हैं। ये अलग अलग कलर्स दिखा रहा है, बिल पेमेंट रेड में, फंड ट्रांसफ़र दूसरे कलर में, विड्रो अलग कलर में, ठीक है। ये देखिए बिल पेमेंट में 299 रुपये और फंड ट्रांसफ़र में 25,637 रुपये, 44% टोटल का, और विदड्रॉ किया था ATM से 31,512 रुपये। और इस साइड में वीकली भी आपका दिखा देगा, मैंने वीकली कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो ये वीकली में कुछ नहीं दिखा रहा मेरा। और इस साइड दूसरी साइड आप क्वार्टर पे क्लिक करेंगे तो पिछले 3 महीने का भी आपको ये दिखा देगा, पिछले 3 महीने में आपने कितने पैसे खर्च किए। ये 1,32,982 रुपये पिछले 3 महीने में मेरे अकाउंट से खर्च हुए हैं। अभी यहाँ पे हम वापस ट्रांजेक्शन्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसको डाउनलोड या ईमेल कर सकते हैं। तो इधर ये एक ऑप्शन है, ये लेफ्ट वाला, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ये पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन है सारी। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, देखिए डाउनलोड हो रही है और देखिए ये अलाउ कर देते हैं और फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपके स्टोरेज में डाउनलोड हो चुकी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर आप ईमेल भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ईमेल वाले साइन पे तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है बैंक अकाउंट के साथ उस पर आपके पास ईमेल में चली जाएगी ये सारी रिसिप्ट। देखिए मेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल आईडी पे ये मेल जा चुका है, वो आप चेक कर सकते हैं। कई बार ईमेल नहीं जाता तो इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं और फिर उसको ईमेल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड किया है वो देख लेते हैं। अभी फाइल्स में जाएंगे हम, फाइल मैनेजर में, अभी डॉक्यूमेंट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऊपर अकाउंट स्टेटमेंट के नाम से एक फ़ाइल है तो आप कहीं पे भी अपनी फाइल्स में सर्च कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट के नाम से ये फ़ाइल मिलेगी और ये देखिए सारी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, किस तरह से हम SBI योनो ऐप पे अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड या ईमेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना आप ज़रूर, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी आंसर मैं दूंगा। और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जय हिंद।